प्रदेश में सर्दी के बढ़ने के साथ ही जिस तरह से आम जन के लिए कंबल और गर्म वस्त्र निकल चुके हैं, ठीक उसी तरह अब भगवान को भी जो गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं, भगवान है उन्हें भी रजाई हो रही जारी। उदयपुर के अति प्राचीन मंदिर जगदीश मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ। वहाँ पर देखिए जो शयन है भगवान की, उसकी तैयारी हो चुकी है। भगवान को है गर्म वस्त्र धारण करा दिए गए, मखमल के कपड़े हो या गर्म कपड़े हो या फिर साटन के वस्त्र है वह धारण कराए जाते हैं। देखिए मैं एक बार भगवान जगदीश के दर्शन करवाता हूँ। जिस तरह से देखा जाता है कि सर्दी के बढ़ते ही भगवान को भी जो है गर्म वस्त्र धारण होते, ठीक उसी तरह उदयपुर में जो भगवान जगन्नाथ है, भगवान जगदीश है, उन्हें गर्म वस्त्र धारण करवाए गए। साथ ही देखा जाता है खान पान में भी जो होता है उसमें भी पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। जिस तरह से सर्दी बढ़ती है और उसी तरह अब पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। भगवान जगन्नाथ को भी जो है गर्म वस्त्र धारण करा दिए गए हैं और उसके बाद अब आरती के बाद शयन में जो पाठ बंद होते हैं तो सुबह जब मंगला आरती उस समय जो वस्त्र है वापस दिया जाता है। ऐसे में कहीं कहीं देखें तो सर्दी के साथ मंदिरों में भी इस तरह भगवान की आस्था जो लोगों के साथ जुड़ी हुई, कहीं कहीं ये तो दिखाते मंदिर के पुजारी जी हमारे बीच, इनसे जानेंगे वैसे अब किस तरह जो कहते हैं कि गर्म जैसे सर्दी आती है जो वस्त्र में बदलाव हो जाते हैं भगवान के, और जो है खान पान में बदलाव होता है, क्या यहाँ का क्या है। जय जगदीश। सभी मेवाड़ वासियों को जगदीश मंदिर से जय जगदीश, जय श्री कृष्ण। अभी आपने फरमाया कि ऋतु के अनुरूप जैसे इंसानों के जीवन में परिवर्तन आता है, मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं और इस सनातन संस्कृति के अंदर हर चीज जो अपन अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, जो निभाते हैं, जो मनाते हैं, जिसका हर्षोल्लास होता है, वो भले कोई भी चीज हो, वो सब इसी संस्कृति से जुड़ी और इसी संस्कृति की एक कड़ी है। आज अगर अपन ऋतुओं की बात करें तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर मंदिरों की हर तरीके के संप्रदायों में मंदिरों की ठाकुर जी के अंदर एक अपनी सेवा प्रणाली है। वो उष्ण काल से लेके जो शरद ऋतु है, उन सारी ऋतुओं की अपनी अपनी सेवा प्रणाली निर्धारित है। श्री जगदीश मंदिर के अंदर शरद पूर्णिमा, जो शरद की पूर्णिमा होती है, उस शरद पूर्णिमा के बाद से कहीं कहीं हम सर्दी का एहसास होने लग जाता है और तब से ठाकुर जी की सेवा प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। तो जब अपन सेवा प्रणाली की बात करें तो इस ऋतु के अंदर ठाकुर जी को पहले दुलई धराई जाती है और उसके ऊपर रजाई धराई जाती है, और जब ये तो रात की समय की बात है, और ठाकुर जी के जो सेज धराते हैं, जो अभी सेज धराई गई है उसके साथ में विशेष रूप से रजाई भी धराई जाती है ताकि ठाकुर जी उस रजाई को ओढ़ सके, और संध्या आरती के बाद में ठाकुर जी के समक्ष एक सिगड़ी धराई जाती है जो पहले चांदी की हुआ करती थी और अब पीतल की है, चांदी की है, लेकिन देवस्थान के पास शायद समय नहीं है कि वो मंदिरों का ध्यान दे। खैर, तो सिगड़ी धराई जाती है जिसके अंदर देशी कोयले जागृत किए जाते हैं ताकि अंदर गर्भगृह गर्म रहे, और इसी अनुरूप सवेरे जब ठाकुर जी के पक्षाल होता है, पक्षाल के बाद में ठाकुर जी को जो वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जो पोशाक धारण कराई जाती है, उसके अंदर दिन में एक कोट और मोजे धराए जाते हैं, इस तरीके की व्यवस्था रहती है। और जो भोग ठाकुर जी को धराए जाते हैं वो भी भोग सामग्री ऐसी होती है जो इस ऋतु के लिए श्रेष्ठ हो, जिसके अंदर गोंद पाक है, सौंट की चीजें हैं, इस तरीके की इस ऋतु में काम में आने वाली चीजों का भोग धराया जाता है। अभी विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा होगी, उस दिन ठाकुर जी को छप्पन भोग धराया जाता है। उस छप्पन भोग के अंदर विशेष रूप से इस प्रकार के जो व्यंजन है वो ठाकुर जी के लिए सिद्ध किए जाएंगे और वो ठाकुर जी को धराए जाएंगे। किस तरह इस रजाई को साल भर देखा जाता है, जैसे ही ऋतु परिवर्तन होती है फिर वापस चलता है, कैसे इसको सुरक्षित रखते हैं, किस तरह इसे रखा जाता है। हमारे पास इन ठाकुर जी की सेवा की सारी पोशाक है, वो अन्य वस्तुएं जैसे हृदय होगी, दुलैया होगी, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे पास पेटियों में रखी जाती है, और ऋतु आने से पहले उनको निकाल के एक बार धूप दिखाई जाती है, फिर वो ठाकुर जी को धारण कराते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि ये कहीं गंदी होगी या खराब होगी तो उसी वक्त नहीं बनाई जाती है। अभी किस तरह का इनका श्रृंगार है, और श्रृंगार जब किया गया किस तरह का इनको जो धराया गया है, किस तरह की चादर इनको। अभी इनके अंदर तो मलमल है ताकि ठाकुर जी के अंग को अच्छी लगे, और बाहर साटिन है, तो
तो साटिन मोटा होता है और बीच में हाथ की रुई भरी हुई है। तो ये भी नई रजाया बनी है, छापे की रजाया बनवाई है जो खूबसूरत लगे। रंग ऐसे लिए गए जो ठाकुर जी को अच्छे लगे। जो मर्यादित रंग है उन रंगों का उपयोग किया जाता है। ठाकुर जी के जो सेज है उसके ऊपर नया गद्दा मखमल का बनाया है और आप देख सकते हो नई चद्दर और साथ में एक वापस रजई जिसके ऊपर आपका साटिन का कपड़ा लगा हुआ है छपई वाला। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि ये भगवान जगजी से जैसे ऋतु परिवर्तन होती है और इस तरह से जो है भगवान के जो वस्त्र है उसमें परिवर्तन हो जाता है। रजई उड़ा दी के मखमल और साटन से जो है भगवान को ठंड से बचाया जा रहा है, साथ ही एक अंगीठी भी जो है भगवान के लिए रहेगी जिससे कि ठंड से बचाया जा सके। पूरी तरह कहें तो इस तरह से भगवान को ठंड से बचाया जा रहा है। अंगीठी भगवान के लिए जला दी गई है, वस्त्र जो गर्म वस्त्र है जो गर्म रजाई है वो भगवान को उड़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं जो सुबह जब मंगला आरती उस समय नाटा जाता है लेकिन खान पान के साथ कई तरह का परिवर्तन जो है इस ऋतुओं के परिवर्तन के साथ देखा जाता है। आम जन देखा जाता है तो जब देखा जाता है तो जैसे ही ठंड शुरू होती है और आम लोग उस रजाइयों को निकालते हैं उस ऋतु परिवर्तन के साथ लोगों में परिवर्तन देखा जाता है। उसी तरह भगवान के मंदिरों में भी उसी तरह परिवर्तन देखा जाता है। 9 के लिए राजेश डांगी।